नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा पिछली क्लास में अपने त्रिकोणमिति सरल समीका के 13 क्वेश्चन हो चुके थे, बट बच्चों को इस क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आई, इसलिए मैं ये दोबारा से करवा रहा हूँ। और आपका 13वां क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में कोर थीटा प्लस टेन थीटा, और बराबर प्रूव करना है आपको टेन थीटा इंटू में सेक थीटा। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड दी गई है और इस राइट हैंड साइड के बराबर आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है आपका सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में कोर थीटा प्लस टेन थीटा। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, और इस लेफ्ट हैंड साइड को इसके इक्वल आपको प्रूव करना है कि यह है टेन थीटा इंटू सेक थीटा के बराबर है। अब बेटा देखिएगा सेक थीटा, मैं एक बार फिर से थोड़ा सरल समीकरण आपको बता देता हूं। आपकी पहली सरल समीकरण है साइन स्केयर थीटा प्लस में कोस स्केयर थीटा, कहीं भी दिख जाए तो मान कितना रखना है एक। सेकेंड आपका है सेक स्केयर थीटा बराबर है एक प्लस टेन स्केयर थीटा, और तीसरा आपका है कोसेक स्केयर थीटा बराबर एक प्लस कोट स्केयर थीटा। इसके अलावा बेटा देखिएगा आपका कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा बराबर है एक बटे साइन थीटा के, और सेक थीटा बराबर है आपका एक बटे कोस थीटा के, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, काफी बार करवा चुका हूं मैं, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा। आपको ये तो याद ही रखना पड़ेगा भाई। अब देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में कोट थीटा प्लस टेन थीटा, और आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। अब बेटा देखिएगा सेक थीटा को मैंने लिखा एक बटे कोस थीटा के बराबर, साइन बीच में माइनस का है, कोस थीटा है बटे में एक लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां मैंने चेंज किया सेक थीटा को, और सेक थीटा को क्या लिखा भाई एक बटे में कोस थीटा। इसके बाद देखिएगा बेटा इनटू में कोट थीटा को मैंने लिखा कोस थीटा बटे में साइन थीटा, प्लस टेन को लिखा मैंने साइन थीटा बटे में कोस थीटा। यहां सिर्फ मैंने चेंज क्या किया कि कोट थीटा को तो लिखा कोस थीटा बटे साइन थीटा में, और टेन थीटा को लिखा साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब यहां देखिए इनका मैं एलसीएम लेता हूं, यहां एलसीएम आ गया कोस थीटा, कोस थीटा को कोस थीटा से भाग दिया आपका बेटा आता है एक, और एक को एक से गुणा किया कितना आ गया एक। साइन बीच में है माइनस का, एक को कोस से भाग दिया आपका कोस आ गया, और कोस को कोस से गुणा किया क्या आ गया कोस स्केयर, और आगे क्या है थीटा, तो एक माइनस कोस स्केयर थीटा। फिर यहां एलसीएम आपका आया साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, इनका एलसीएम आपका आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बेटा देखिए इसको इससे भाग दिया तो यहां आपका क्या बच गया, साइन से साइन तो कैंसिल हो गया ना, कोस बच गया, और कोस को कोस से गुणा किया क्या आ गया कोस स्केयर, और आगे क्या है भाई थीटा, तो यहां आ गया आपका कोस स्केयर थीटा। साइन बीच में आपका है प्लस का, को इसको इससे भाग दिया तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, क्या बच गया साइन, और साइन को साइन से गुणा किया आपका आ गया साइन स्केयर थीटा। अब आप देखिएगा बेटा एक माइनस कोस स्केयर, यहां आप सर्व समीका देखिए साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा का मान होता है एक, और इस कोस स्केयर को मैं इधर ले जाऊंगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो एक माइनस कोस स्केयर थीटा किसके इक्वल हो गया साइन स्केयर थीटा के इक्वल हो गया। तो इसको मैंने लिखा एक माइनस कोस स्केयर थीटा की जगह लिखा साइन स्केयर थीटा, और बटे में आपका है कोस थीटा, कोई साइन नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बताएं साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा
किसके इक्वल होता है, एक के, वो बात एक ही है बेटा, चाहे आप कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, इन दोनों का मान क्या होगा, एक एक बटे में आपका आ गया साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब यहां देखिए साइन स्क्वायर का मतलब साइन कितनी बार है, दो बार है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटे में क्या है बेटा कोस थीटा इंटू में एक बटे में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ये आपको दिया गया है। अब बेटा देखिएगा साइन से साइन क्या हो गया, कैंसल हो गया, यहां भी साइन थीटा है यहां भी साइन थीटा है, अब यहां क्या बच गया साइन थीटा और बटे में क्या बच गया कोस थीटा। अब देखिएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, बीच में मल्टीप्लाई, एक बटे में कोस थीटा क्या होता है, यहां देखिए एक बटे में कोस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, तो आपका आ गया सेक थीटा। और यही बेटा अपने को क्या करना था, प्रूव करना था, मींस आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब देखिए एक बार मैं फिर से थोड़ा रिपीट करवाता हूँ, यहाँ सेक थीटा को मैंने एक बटा कोस में चेंज किया, सेम आपका है बटे में एक लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोट थीटा को कोस थीटा बटे साइन थीटा में चेंज किया, साइन बीच में है प्लस का, टेन को किया साइन बटे कोस में, अब यहाँ मैंने इसका एलसीएम लिया तो ऊपर कितना आ गया एक माइनस कोस स्केयर, यहाँ इसका एलसीएम लिया तो यहाँ आ गया कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है एक, और एक माइनस कोस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है भाई, देखो इधर साइन स्केयर थीटा, अब साइन स्केयर है तो साइन कितनी बार है, दो बार है, तो यहाँ देखिए साइन से साइन क्या हो गया कैंसल, यहाँ बच गया साइन थीटा बटे में कोस थीटा, साइन बटे कोस बोलिएगा क्या होता है टेन थीटा, और एक बटे में कोस क्या होता है सेक थीटा। और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ा डाउट आया था कल, इसलिए आप मैंने ये दोबारा करवा दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, और आपका 14वां क्वेश्चन है बेटा, एक माइनस टेन स्केयर अल्फा, एक माइनस टेन स्केयर अल्फा बटे में कोट स्केयर अल्फा माइनस एक, कोट स्केयर अल्फा माइनस का एक बराबर आपको प्रूव करना है टेन स्केयर अल्फा के, बराबर आपको प्रूव करना है टेन स्केयर अल्फा के। देखिए आपको दिया गया है एक माइनस टेन स्केयर अल्फा और कोट स्केयर अल्फा माइनस वन, यहाँ हम इस सर्वसमीका का किसी का प्रयोग तो कर सकते हैं एक माइनस टेन स्केयर यहाँ ये, बट मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको साइन और कोस में चेंज करके करवाऊंगा, एक लय से चलेंगे हम, क्योंकि ये दोनों फार्मूले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे अच्छे क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन में सभी फार्मूलों का प्रयोग होगा, बट ये तो आप अच्छे से ही याद कर लेना, और इनका तो मैं बार बार ही प्रयोग कर रहा हूँ, इन तीनों सरल समीकरणों का भी मैं बार बार प्रयोग कर रहा हूँ। यहाँ देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, और बेटा आपका लेफ्ट हैंड साइड है एक माइनस टेन स्केयर अल्फा बटे में आपका है कोट स्केयर अल्फा माइनस का वन। अब बेटा देखो टेन टेन थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा के, और यहाँ अल्फा है, थीटा की जगह क्या है अल्फा, तो जहाँ भी थीटा है वहाँ अल्फा रख देंगे। अब देखिएगा एक माइनस टेन टेन थीटा किसके इक्वल होता है साइन बटे कोस, आगे अल्फा है तो क्या लिखा दूंगा मैं साइन, और स्केयर है तो क्या लग जाएगा साइन स्केयर अल्फा बटे में कोस स्केयर अल्फा, बेटा बटे में मैं एक मान लूँ इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसके बटे में आपका आ गया कोट स्केयर अल्फा किसके इक्वल होता है कोस स्केयर अल्फा बटे में साइन स्केयर अल्फा, और बीच में साइन माइनस का है, एक बटे में क्या मान लिया एक। अब बेटा आप देखिएगा यहाँ आपका एलसीएम आता है ऊपर वाले का कोस स्केयर अल्फा, एलसीएम क्या आ गया कोस स्केयर अल्फा, बेटा इसको इससे भाग दिया कोस स्केयर अल्फा, और कोस स्केयर अल्फा को एक से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया कोस स्केयर अल्फा, बीच में साइन किसका है माइनस का, कोस स्केयर अल्फा को कोस स्केयर अल्फा से भाग दिया कितना आया एक, एक को किससे मल्टीप्लाई किया भाई साइन स्केयर से, तो आपका आ गया साइन स्केयर अल्फा। ऊपर वाले का मैंने एलसीएम लिया, ऊपर वाले का एलसीएम लिया, इसको सोल्व किया तो आपका आ गया कोस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा, और बटे में क्या है कोस स्केयर अल्फा। अब बटे में देखिएगा नीचे वाले का
एलसीएम क्या आ गया, ऊपर वाले का अलग एलसीएम और नीचे वाले का अलग। साइन स्केयर अल्फा को साइन स्केयर अल्फा से भाग दिया बेटा, कितना आता है एक, एक को कोस स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया कोस स्केयर अल्फा। आगे साइन किसका है माइनस का, एक को साइन स्केयर अल्फा से भाग दिया क्या आया साइन स्केयर अल्फा, और साइन स्केयर अल्फा को एक से गुणा किया क्या आ गया साइन स्केयर अल्फा। देखो बेटा कुछ नहीं किया मैंने, टेन को तो चेंज किया साइन बटा कोस में, स्केयर है तो यहां भी स्केयर लगा दिया, कोट को किस में चेंज किया कोस बटा साइन में, स्केयर है तो स्केयर लगा दिया, आगे थीटा किसके बराबर दिए गए अल्फा तो ये अल्फा लगा दिया, फिर ऊपर वाले का एलसीएम लिया नीचे वाले का एलसीएम लिया तो आपका ये आ गया। अब देखिएगा आपको पता है ए बटे बी को भाग देंगे सी बटा डी से, अब भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो ऊपर आके ये क्या हो जाएगा डी बटे सी। तो यहां देखिए कोस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा, बटे में क्या है कोस स्केयर अल्फा, सी बटे डी ऊपर ले आऊंगा तो साइन स्केयर तो क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा और कोस स्केयर क्या रह जाएगा नीचे, और ये आपस में क्या हो जाएगा बेटा कैंसल, तो आपका क्या आ गया क्या बच जाएगा साइन स्केयर अल्फा बटे में कोस स्केयर अल्फा। अब देखिए साइन बटा कोस क्या होता है टेन, और टेन स्केयर क्या है अल्फा, यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। देखो ये आपस में कैंसल हो गया, एक बटे में कोस स्केयर अल्फा, एक बटे में साइन स्केयर अल्फा, इसको ऊपर ले आया तो क्या आ गया साइन स्केयर अल्फा बटे में कोस स्केयर अल्फा, और यहां बेटा आपका आ गया टेन स्केयर अल्फा, और यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। तो ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा आपको दिया गया है साइन थीटा बटे में एक माइनस कोस थीटा, साइन थीटा बटे में एक माइनस कोस थीटा बराबर आपको दिया गया है एक प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा, एक प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा, साइन थीटा बटे में एक माइनस कोस थीटा बराबर किसके दिया गया बेटा एक प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर प्रूव करनी है इस राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और बेटा आपका लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा बटे में एक माइनस कोस थीटा। अब यहां देखिएगा मैंने इस लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है साइन थीटा बटे में एक माइनस कोस थीटा, तो मैंने इसको साइन थीटा बटे में एक माइनस कोस थीटा, इस भिन्न का हर है ना, ये परिमेयकरण कर दे इसका आप, जैसे देखिएगा परिमेय संख्या का परिमेयकरण करते हो, जैसे कि दो बटे में अंडर रूट तीन है तो रूट तीन को एक बार गुणा करते हो एक बार क्या करते हो भाग करते हो, एक से ज्यादा संख्या आती है तो बीच वाला साइन चेंज करके एक बार आपने गुणा कर दिया और एक बार क्या कर दिया भाग। तो मैंने इस संख्या को जो आपको क्या दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा बटे में एक माइनस कोस थीटा, इसको मैंने गुणा किया और किससे एक प्लस कोस थीटा, नीचे वाले का साइन चेंज करके एक बार गुणा कर दिया बेटा और एक बार क्या दे दिया भाई भाग दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, एक बार क्या किया गुणा किया और एक बार क्या किया भाग दे दिया। अब बेटा देखिएगा अब आप देखिए साइन थीटा तो आपका सेम है इनटू में एक प्लस कोस थीटा बटे में, अब बेटा बताओ यहां कोई सर्वसमिका दिखाई दे रही है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपकी सर्वसमिका देखिए ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, और इक्वल होती है बेटा ए स्केयर माइनस है बी स्केयर के, जहां ए आपका कितना है एक और बी कितना है कोस थीटा, तो इनका स्केयर करूंगा तो क्या आ जाएगा एक माइनस कोस स्केयर थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी वाली सर्वसमिका लगाई तो यहां आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक की स्केयर तो एक ही होती है ना। इसके बाद आप देखिएगा साइन थीटा इंटू में एक प्लस कोस थीटा
एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। देखो इधर ले गया तो प्लस से क्या हो गया माइनस, तो आपका एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। अब बेटा देखिएगा ये आपस में देखो स्क्वायर है तो मतलब दो बार है, तो ये एक बार से एक बार कट गया ना, तो क्या बच गया साइन थीटा, तो आपका यहां क्या बच गया भाई एक प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा। और बेटा यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड, मीन आपका लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है भाई राइट हैंड साइड के बराबर है। मेरे ख्याल से ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, इजी सा प्रश्न है। बेटा नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, और ध्यान से समझिएगा इसको, क्वेश्चन भी अच्छा है और ध्यान से समझना। आपका क्वेश्चन ये है साइन की पावर 6, आपका क्वेश्चन संख्या है 16, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर आपको प्रूव करना है एक माइनस तीन साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। बेटा बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है इसलिए इसको सही कर लीजिएगा, यहां बुक में पावर तीन दी गई है और यहां आप पावर दो कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है भाई बुक में, इसलिए पावर तीन की जगह आप कितनी कर लीजिए पावर कर लीजिए दो। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, और किसके इक्वल प्रूव करना है एक माइनस तीन साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। बेटा सबसे पहले क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो मैंने यहां लेफ्ट हैंड साइड लिया और आपका लेफ्ट हैंड साइड है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की भी पावर कितनी है 6 और क्या है थीटा। अच्छा इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या साइन स्क्वायर थीटा और टोटल की पावर मैंने कितनी रख दी भाई तीन, क्योंकि तीन दूनी छह, तो मैंने यहां पावर छह है इसको लिखा साइन स्क्वायर थीटा और टोटल की पावर कितनी भाई तीन, प्लस इसी प्रकार देखिएगा कोस स्क्वायर थीटा और इसकी भी पावर कितनी लिखी मैंने तीन, इसको मैंने पावर छह है इसको लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा और टोटल की पावर तीन, कोस स्क्वायर थीटा टोटल की पावर तीन, मतलब कि आप जानती हो ए की पावर एम और टोटल की पावर एन किसके इक्वल होता है ए की पावर एम गुणा में एन। तो आपका यहां देखिएगा दो तीये छह और दो तीये छह, इसके बाद आप बेटा देखिएगा यहां एक फार्मूला लग रहा है एगी क्यूब प्लस बीगी क्यूब, और एगी क्यूब प्लस बीगी क्यूब किसके इक्वल होता है ए प्लस बी, मैंने पिछली क्लास में आपको ये अच्छे से फॉर्मूले करवाए थे, थोड़ा देख लेना रिवाइज कर लेना, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, आपका एगी पावर तीन प्लस बीगी पावर तीन बराबर क्या होगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। बेटा यहां a कितना है साइन स्क्वायर थीटा और b कितना है कोस स्क्वायर थीटा, यहां मैं वैल्यू रखता हूं a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है a की स्क्वायर का मतलब यहां मैं बड़ा ब्रैकेट रख देता हूं ताकि समझ में आ जाए, साइन ए कितना है साइन स्क्वायर थीटा और यहां ए की स्क्वायर दी गई है इसका मतलब टोटल की क्या है स्क्वायर है। अब आप देखिएगा माइनस ए, ए देखो कितना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू में बी कितना है कोस स्क्वायर थीटा, और आगे आप बेटा देखिएगा प्लस बी की स्क्वायर का मतलब बी देखो कितना दिया गया है कोस स्क्वायर थीटा, बी आपका कितना है
कोस स्क्वायर थीटा, और टोटल की पावर कितनी है बेटा? दो। बोलिएगा यहां तक कोई डाउट है क्या? अब आप देखिएगा यहां ए की पावर तीन प्लस बी की पावर तीन बराबर किसके होती है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां ए आपका है साइन स्क्वायर थीटा और बी आपका है कोस स्क्वायर थीटा। ए की स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, माइनस का ए इंटू बी, प्लस में क्या है? बी की स्क्वायर। अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? हमने सरल समीकरण का पहले का प्रयोग किया और कितनी होती है? एक होती है। तो यहां देखिए बेटा इसकी जगह मैंने एक रखा, एक इंटू आपका है साइन स्क्वायर थीटा टोटल की पावर दो माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, ध्यान से समझना यहां प्रश्न को, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और टोटल की पावर इसकी भी कितनी है बेटा? दो। ये बच गया। अब यहां हमें कुछ करना पड़ेगा भाई, नहीं तो राइट हैंड साइड कैसे आएगी? अब यहां एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर कितनी है? दो। माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और इसकी भी पावर कितनी है? दो। अब बेटा यहां अगर मैं दो साइन, एक पीछे क्वेश्चन ऐसा किया था ना, दो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एक बार मैंने जोड़ दिया और एक बार मैंने क्या किया यहां माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, एक बार मैंने इतना जोड़ दिया और एक बार क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब बेटा देखो कुछ नहीं किया मैंने, ये सेम लिखा और एक बार ये जोड़ दिया और एक बार इतना क्या कर दिया? माइनस कर दिया, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, जितना मैंने ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए ये आपका सेम है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा की पावर दो माइनस, अब देखो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एक बार, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितनी बार? दो बार। दोनों क्या है? माइनस के। एक और दो कितना हो गया? तीन। इनको मैं लास्ट में लिख लूंगा, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की पावर दो प्लस में टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, और यहां माइनस वाला मैंने लास्ट में लिख लिया, दो और एक तीन, तीन साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आ गया होगा, मैंने बस कुछ नहीं किया, एक बार ये जोड़ दिया एक बार ये घटा दिया, उसके बाद माइनस वाला लास्ट में लिख लिया। अब देखो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस दो ए बी किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी की होल स्क्वायर के इक्वल होता है। बेटा यहां ए कितना है? साइन स्क्वायर थीटा, और बी कितना है? कोस स्क्वायर थीटा। ए आपका साइन स्क्वायर थीटा है, बी क्या है? कोस स्क्वायर थीटा। तो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस टू ए बी किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी की होल स्क्वायर। तो यहां बोलिएगा किसकी होल स्क्वायर आ जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी क्या आ गई बेटा? होल स्क्वायर माइनस का तीन साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? एक होती है। एक की स्क्वायर कितना? एक। एक माइनस तीन साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, और यही बेटा आपकी क्या है? राइट हैंड साइड, मीन आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। देखिएगा बेटा सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया,
पावर छह इसको लिखा, यहाँ साइन स्क्वायर दो तीए छह, पावर छह के टुकड़े मैंने ऐसे कर लिए, साइन स्क्वायर थीटा और टोटल की पावर तीन, इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा टोटल की पावर तीन, यहाँ एगी क्यू प्लस बीगी क्यू वाला फॉर्मूला लगाया तो आपको ये प्राप्त हुआ। उसके बाद आप देखिएगा बेटा, यहाँ ये लिखने के बाद अब आप देखिए इससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक, तो यहाँ मैंने एक रखा और ये वाला मैंने सेम लिख दिया। उसके बाद देखिएगा यहाँ तो आ गया सेम, उसके बाद मैंने इतना ही जोड़ दिया इतना ही घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, ताकि सोल्व हो जाए बेटा, आपकी राइट हैंड साइड आ जाए। तो यहाँ देखिए अब मैंने प्लस वाला एक तरफ ले लिया और माइनस वाला लास्ट में लिख दिया, यहाँ ए की स्केयर प्लस बी की स्केयर प्लस टू ए बी वाला आपकी सर्वसमी का प्रयोग हुई जो कि ए प्लस बी की होल स्केयर होती है, तो यहाँ ए आपका कितना है बेटा साइन स्केयर थीटा, बी कितना है कोस स्केयर थीटा, तो यहाँ आ गया साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है एक, एक की स्केयर कितनी होती है एक, और यहाँ कितना आ गया तीन साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा, आप रेगुलर क्लास लगाइए, अगर किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। आज इतना ही करवाएंगे और नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे। थैंक यू।